नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अल्लीपुर भादर के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए देसी तमंचे सहित दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं एडिशनल एसपी ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अदालत दुष्कर्मा और जयलाल को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेजते हुए बताया कि दोनों कई दिन से अवैध असलाह बनाकर जिले सहित अन्य जनपदों में सप्लाई किया करते थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अदालत और जयलाल के खिलाफ जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें कई बार अवैध असलाह फैक्ट्री संचालन करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद पुनः असलाह फैक्ट्री संचालन कर असलाहों की सप्लाई किया करते थे, जिनके पास से आज पुलिस ने 2 देसी तमंचे असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए। कल थाना सुल्तानपुर घोष प्रभारी निरीक्षक निरंजन त्रिपाठी और उनकी टीम ने एक असलाह फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें जो मुख्य रूप से बनाने वाला है वो अदालत विश्वकर्मा है। ये खागा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसने इसके साथ एक और सुल्तानपुर घोष का जयलाल पकड़ा गया है। ये दोनों लोग ये फैक्ट्री में असलाह बना रहे थे। इसमें 2 निर्मित और कुछ अर्धनिर्मित असलहे मिले हैं, के साथ कोका कारतूस भी मिले हैं और कारतूस भी जिंदा भी बरामद हुए हैं। ये जानकारी की गई तो पता चला है कि ये पहले भी 5 बार इसी फैक्ट्री बनाने में जेल जा चुका है और काफ़ी समय से ये कारोबार कर रहा था। इसमें ये इंस्पेक्टर घोष ने काफ़ी सराहनीय काम किया है, जिसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है।